अस्सलाम वालेकुम, स्कॉलरशिप सुपरमेसी में मैं आपका खुश आमदीद करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी की स्कॉलरशिप के बारे में बताया था, और आज की जो हमारी स्कॉलरशिप है वो है SIIT स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट 2024 थाईलैंड। ये थाईलैंड की स्कॉलरशिप है। इसका जो नाम है वो है सुरेंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्सेप्टिंग इन एप्लीकेशन फ्रॉम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ये जो यूनिवर्सिटी है वो अभी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर रही है जो इंटरनेशनल, ठीक है। ये जो स्कॉलरशिप है वो 2024 से 2025 तक होगी, जो कि फुली फंडेड होगी। मास्टर्स वगैरह, मास्टर्स और डॉक्टोरल स्कॉलरशिप्स के लिए ये अवेलेबल है, यानी कि ये मास्टर्स की डिग्री के लिए भी और डॉक्टोरल स्कॉलरशिप भी इसमें अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप में कम जो भी चीज़ें कवर हो रही हैं वो है फुल ट्यूशन फ़ी, एजुकेशनल सपोर्ट फ़ी एंड लिविंग अलाउंस फॉर 10,000 बात पर मंथ। अच्छा, ये इनकी करेंसी है, बात जो है वो इनकी करेंसी है। वो आपको महीने के माहाना 10,000 बात ये देंगे। अब ये कितने होते हैं पाकिस्तानी, ये आप देख लीजिएगा खुद ही। सब्जेक्ट्स टू अप्लाई, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, तो एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सिस्टम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग, साइंस टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर एम्बेडेड सिस्टम्स, डिजिटल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। काफ़ी ज़्यादा वाइड वराइटीज में अवेलेबल है। स्कॉलरशिप की समरी थोड़ी बहुत है कि लेवल ऑफ स्टडी कौन कौन सी है। मास्टर्स और पीएचडी मैंने आपको अभी बताया। वैसे भी इंस्टीट्यूशन इसका कौन सा है, सुरेंद्रन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडी इन थाईलैंड, यानी कि थाईलैंड की। नंबर ऑफ स्कॉलरशिप 40 स्कॉलरशिप ये प्रोवाइड कर रहे हैं 40 लोगों को। प्रोग्राम पीरियड कौन सा है, 2 ईयर्स मास्टर्स की डिग्री के लिए, 3 ईयर्स डॉक्टोरल की डिग्री के लिए। डेडलाइन इसकी कौन सी है, September 30, 2023 फॉर सेमेस्टर स्टार्टिंग इन January 2024। अच्छा, ये अगर आपके सेमेस्टर जनवरी से स्टार्ट होंगे तो September 30 यानी कि इसी महीने में जो 30 तारीख आने वाली है वो इसकी लास्ट डेट है। दूसरा है कि March 15, 2024 अगर आपका जो सेमेस्टर है वो September 2024 में स्टार्ट हो रहा है। तीसरी है जून 15 यानी कि 2024, वो कौन से, फैकल्टी कोटा के स्कॉलरशिप्स के लिए, ठीक है, वो 15 मार्च, ये 15 जून। बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, फुल ट्यूशन एंड एजुकेशनल सपोर्ट फी, फुल थीसिस सपोर्ट भी आपको मिलेगा, लिविंग अलाउंस आपको मिलेगी जो भी मैंने बताया आपको कि 10,000 यानी कि 10,000 महाना बाद आपको दिए जाएंगे। राउंड ट्रिप एयरफेयर टिकट्स अगर आपको ट्रिप वगैरह पर जाना हो तो उसके लिए टिकट्स भी ये देंगे। डायरेक्ट रूट टू थाईलैंड इकोनॉमी क्लास में आपको देंगे, ठीक है। वो जाहिर सी बात है कि आपकी जो भी एजुकेशन रिलेटेड ही होगी। वीज़ा फ़ी आपको देंगे, एयरपोर्ट टैक्सेस देंगे, उसके अलावा उसके जो है ना आपको 10,000 एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हेल्थ एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस विल बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप। अगर आप स्कॉलरशिप के दौरान अगर आपकी हेल्थ का कोई इशू हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह कोई इशू आ जाता है, तो इसके लिए भी वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे। इसका कौन कौन सा क्राइटेरिया है अप्लाई करने का, तो अब देख लें कि एप्लीकेंट मस्ट मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। रिक्वायर्ड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश, एलिजिबल कंट्रीज ऑल वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, नॉट अ थाई सिटीजन और डू नॉट होल्ड थाई नेशनलिटी, आपके पास थाई नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए। मीट द क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ऑफ द SIIT ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो उनका क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो आपका पूरा होना चाहिए। टू स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एटलीस्ट वन फ्रॉम एन अकेडमिक इंस्टीट्यूट, आपका एक कम से कम एकेडमिक इंस्टीट्यूट यानी कि जिधर से आप पढ़े हैं या कोई भी ऐसा बड़ा इदारा जो एकेडमिक रिलेटेड हो, तो वहाँ से कम एक रिलेटेड तो ज़रूर होना चाहिए। हैव गुड हेल्थ एंड गुड कंटेक्ट, आपकी हेल्थ वगैरह अच्छी होनी चाहिए और आपका विजन अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई, इसमें 2 प्रोसेस है, एक तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, दूसरा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एटलीस्ट 1 पेज आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके एकेडमिक इंटरेस्ट या फिर प्रोफेशनल गोल्स वगैरह जो है उनके बारे में लिखा हुआ होता है, CV या रेज्यूम, ठीक है। और उसके अलावा आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए मास्टर्स की डिग्री की, फॉर मास्टर्स डिग्री एप्लीकेशन, अगर आप मास्टर्स की डिग्री के लिए अप्लाई करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री की मार्कशीट होनी चाहिए विथ GPA
2.75, और अगर डॉक्टरल के लिए करें तो आपके पास बैचलर की डिग्री तो होनी चाहिए लेकिन मास्टर्स की डिग्री भी होनी चाहिए विथ CGPA कितनी है, 3.50, 3.5 यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश प्रोफेशिएंसी लेट टेस्ट एज वन एज फॉलोज। ठीक है, आपके पास इन जो भी इतने जो ट्रोफिल लगा हुआ है, आयल लगा हुआ है, इनमें से तो एक लगा हुआ है, ये जितने भी हैं इनमें से कोई ना कोई आपके पास इंग्लिश की टेस्ट का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है। सिटीजन आईडी कार्ड और पासपोर्ट यानी CNIC या फिर पासपोर्ट, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन और सर्टिफिकेट, अगर आपका कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ पड़ा है, पब्लिकेशन हुई पड़ी है तो, या कोई सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो, आपके जो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स हैं पासपोर्ट साइज होते हैं वो आपको JPG में देने हैं। ठीक है, और स्टेप टू जो है ना वो है अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि आपको यहाँ से जाके इसको अप्लाई ऑनलाइन करना है। मैंने क्लिक तो किया है, ये इसकी वेब लिंक जो है ना वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, बाकी इधर मैंने इसकी वेबसाइट को खोला भी हुआ है, ये देख ली, यहाँ से डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर पूरी इसकी डिटेल लगी हुई है, आप देख सकते हैं और अप्लाई भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।